कांगड़ा जिला में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर भी रोक रही। धार्मिक स्थलों में लंगर सामूहिक भोज नहीं हो पाया। केवल दर्शन की अनुमति। बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कोरोना से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में शादियों, अंतिम संस्कार तथा पालमपुर, धर्मशाला नगर निगम के चुनाव प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ 50 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने पर रोक लगाएगी, जबकि कांगड़ा जिला में अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसी तरह होली पर्व पर भी सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक तौर पर जत्था, टोलियों इत्यादि द्वारा होली खेलने पर रोक लगाई गई। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों, मॉनेस्ट्री व अन्य धार्मिक स्थलों में लंगर तथा सामूहिक भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जबकि कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए धार्मिक स्थलों में दर्शन की अनुमति रहेगी। इसमें धार्मिक स्थलों की प्रबंधक समितियों की सामाजिक दूरी, मास्क पहनना तथा सैनिटाइजर का उपयोग तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करवानी होगी। नगर निगम में डोर टू डोर प्रचार में शामिल होने वाले सभी प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों को कोविड-19 की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी। सभी प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में कोविड-19 टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों तथा डोर टू डोर प्रचार अभियान में शामिल होने वाले सभी समर्थकों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा। इसके साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल वही संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करना जरूरी है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावास को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रावास में कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी जरूरी है। किसी भी सरकारी, निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों या किसी अन्य कार्यालय संस्थान में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का पता लगने पर संबंधित कार्यालय संस्थान के विभागाध्यक्ष संपर्क टेस्टिंग के लिए संबंधित खंड चिकित्साधिकारी और SDM के साथ जानकारी साझा करें। संबंधित खंड चिकित्साधिकारी किसी भी सरकारी, निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों या किसी अन्य कार्यालय संस्थान में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के संपर्क टेस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को जिला कांगड़ा की सीमा में उनके प्रवेश के लिए 7 दिनों तक आइसोलेट कर दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए आइसोलेशन के दौरान उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदार 25 मार्च 2021 के बाद जिला कांगड़ा में प्रवेश करने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में संबंधित श्रम निरीक्षण को सूचित जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 तथा IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, क्या-क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में जो कोविड के केसेस हैं दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं और हिमाचल में भी और खासकर कांगड़ा में ये जो केसेस हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी कुछ SOPs जारी की गई थी, और उसी मद्देनज़र जिला कांगड़ा में भी कुछ जो SOPs हैं अभी जारी की गई हैं और कुछ कड़े कदम साथ साथ उठाए गए हैं। खास करके जो बहुत सारे हमारे सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फंक्शंस हो रहे थे उनको रिस्ट्रेन किया गया है। अब सिर्फ मैरिजेस और जो डेथ के केसेस हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ 2 जगह इलेक्शंस चले हुए हैं कॉरपोरेशन के, पालमपुर और धर्मशाला में, तो सिर्फ इन 3 विषयों पे लोगों को परमिशंस फंक्शंस करने के लिए अब मिलेंगी। और उसमें भी जो नंबर है, खास करके शादियों के लिए नंबर हमने रिस्ट्रिक्ट किया है 50 के लिए, और जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस होगा, मैं आपके माध्यम से भी लोगों को अपील करता हूं कि 5 से ज़्यादा लोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी ना जाएं, और इलेक्शन प्रोसेस को भी और स्मूथ करने के लिए और कोविड कंप्लायंट बनाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि जितने भी लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उसके अलावा जो इलेक्शन एजेंट्स हैं, कैंपेन एजेंट्स हैं, और जो लोग भी कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे अपना RT-PCR टेस्ट पक्का करवाएंगे, और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होने के उपरांत ही वो कैंपेनिंग कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, क्योंकि मंदिर खुले हुए हैं और दोबारा ऐसा कोई भी ये विषय हमारे समक्ष नहीं लाया गया कि हम मंदिरों को बंद करें, लेकिन जैसे कि पहले लंगर और जो कम्युनिटी किचन है
वो बंद हो रखा था और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पीछे शिवरात्रि के समय काफी लंगर पूरे जिले भर में हर गांव में लगे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का पब्लिक या प्राइवेट किसी भी प्रकार का कम्युनिटी किचन या लंगर जो है अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और अगर ऐसा कोई करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, एक्सेप्ट फॉर हॉस्टल्स, हॉस्टल्स को भी जारी रखा गया है, लेकिन जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, उनको 4 अप्रैल तक के लिए तुरंत प्रावधान के साथ बंद कर दिया गया है। और आने वाले समय में भी ये विषय चर्चा का होगा कि आने वाले समय कितना दिन इसको और आगे बढ़ाना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे जो केसेस हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। एक निर्णय और हमने किया है, जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, चाहे वो नीचे हमारे कृषि यूनिट्स हो, ब्रिक किल्न्स हो, हमारी फैक्ट्रीज हो, या फिर हमारे जो ऊपर के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए निर्णय लिया कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनको लाता है 7 दिन के लिए उनको आइसोलेट करके रखेगा, और आइसोलेशन के उपरांत उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद ही उनको हम काम पे लगा सकते हैं। साथ ही पूरी जितनी भी मशीनरी है हमारे जो कोविड के दौरान हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे थे, खास करके हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, जो कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनको फिर ऑगमेंट करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। आज सारे SDM से, CMO से, SP साहब से बैठक हुई है, और हर सब डिवीजन में हम आइसोलेशन सेंटर्स खोलने के लिए आदेश दिए गए हैं। और जो हमारा जोनल हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल में जो कोविड केयर हॉस्पिटल चल रहा था उसको तुरंत प्रावधान से चालू करने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो छुट्टियां जो गवर्नमेंट के माध्यम से जारी की गई हैं, जैसे 3 अप्रैल को छुट्टी की गई है, उसके लिए भी जिला कांगड़ा में डिसाइड किया गया, ना सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बल्कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जो प्राइवेट ऑफिस हैं, उनको भी बंद करने के लिए आदेश आज जारी किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो चेन चल पड़ी है उस चेन को कैसे रोका जाए, और जो कोविड केसेस जो हमारे अचानक से स्पाइक किए हैं उनको कैसे उनको प्लेट्यू किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी प्रोपोर्शन में केसेस आए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सह सके। तो उस हिसाब से जो भी कड़े निर्णय लेने की जरूरत है आने वाले समय में भी लिए जाएंगे। फिलहाल इन निर्णयों के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग सहयोग करें, और आने वाले समय में अगर कहीं पे भी लोग मास्क लगा कर नहीं जाएंगे तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि नो मास्क नो सर्विस, तो उसके अनुरूप हम भी कार्य करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो जो मार्केट्स हैं उनकी खास करके निगरानी की जाएगी इस दृष्टि से कि लोग मैक्सिमम लोग मास्क इस्तेमाल करें। आज आपके माध्यम से मैं फिर से तीन विषयों का उल्लेख करना चाहता हूँ कि पब्लिक में लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और हाथ को सैनिटाइज करके रखें। अगर इतना भी हम लोग कर सकते हैं, इतना कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कांगड़ा में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उनको उनको उनकी जो गति है उस पर रोक लगेगी। सर,